हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्रिकेट सुपर फैंस, मैं हूं रफी। तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज का पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच 9 जून 2022 थर्सडे को खेला जाएगा दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में, जिसे फिरोजा शाह कोटला स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। अब यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम को 7 बजे से यानी कि 7 PM से यह मैच स्टार्ट होने वाला है। अब यह पहला मुकाबला जीतकर दोनों ही टीम सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाना चाहेंगी, जहां इंडिया हो या फिर साउथ अफ्रीका दोनों ही टीम काफी जबरदस्त टीम दिखाई दे रही है। हालांकि टीम इंडिया के स्क्वाड से कई सारे बड़े बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, तो वहीं साउथ अफ्रीका की टीम भारत दौरे पर अपने सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे मजबूत टीम के साथ आई है। अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ मात्र 2 ही खिलाड़ी जिन्होंने टी20 फॉर्मेट में सेंचुरी स्कोर की थी, वो थे रोहित शर्मा और सुरेश रैना, लेकिन ये दोनों ही खिलाड़ी सीरीज में नहीं है। तो वहीं साउथ अफ्रीका के खिलाफ काफी शानदार प्रदर्शन रहा शिखर धवन का, वो भी सीरीज में नहीं है। अब रोहित शर्मा के अलावा विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी समेत कई सारे बड़े बड़े खिलाड़ी को इस सीरीज में आराम दिया गया है, और यही वजह है कि सीरीज में टीम इंडिया के कप्तानी केएल राहुल कर रहे थे, लेकिन जस्ट एक दिन पहले वो इंजरी की वजह से चोटिल होने के कारण केएल राहुल भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ पूरी सीरीज से बाहर हो गए। 5 के 5 टी20 मुकाबला अब केएल राहुल नहीं खेल पाएंगे, जिसके कारण उनकी जगह पर ऋषभ पंत करने वाले टीम इंडिया की कप्तानी। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज में अब ऋषभ पंत करेंगे कप्तानी, तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही है। जबकि टीम में कई शानदार जबरदस्त युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है, जिसमें नाम रवि बिश्नोई, उमरेन मलिक, अर्शदीप सिंह, तो वहीं दीपक खुड्डा, अवेश खान, ये सभी जबरदस्त यंग खिलाड़ी टीम इंडिया में मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच ये 5 टी20 मैचों की सीरीज 100% क्राउड के साथ खेला जाएगा, फुल कैपेसिटी के साथ खेला जाएगा। तो सभी फैंस के लिए बड़ी गुड न्यूज है। इस वीडियो में आगे इस मुकाबले की मैच प्रीव्यू, पिच रिपोर्ट्स, जबकि इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में आपको पूरी विस्तार से बताने वाले, जबकि इस मुकाबले की मैच विन प्रेडिक्शन की बात करने वाले कि आखिर यह मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है, कि जीतेगी टीम इंडिया या फिर जीतेगी साउथ अफ्रीका की टीम, और इस महामुकाबले के लिए क्या होगी दोनों टीमों की प्लेइंग 11, किस रणनीति के साथ किन किन 11 खिलाड़ियों के साथ दोनों टीम मैदान में उतरने वाली है, इस वीडियो में आपको पूरी विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो क्यों ना मैच देखते देखते पैसे भी कमा लिया जाए। आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक इंडियन ऐप के बारे में जिसका नाम है प्रोबो। आपको प्रोबो पर बस हाँ और ना में अपना ओपिनियन देना है और आप जीत जाओगे रियल कैश। इसमें आपको हर तरह की कैटेगरी मिल जाएगी, जैसे कि क्रिकेट, क्रिप्टो, पॉलिटिक्स, यूट्यूब। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट में है, तो मैं क्रिकेट में कुछ क्वेश्चन पर अपना ओपिनियन देके देखता हूँ कि इंडिया पहला टी20 जीत जाएगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, यस और नो। तो मेरा जवाब है यस, क्योंकि टीम इंडिया यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। चलिए एक और क्वेश्चन पर नजर डालते हैं, फर्स्ट टी20 मैच में कौन सी टीम ज्यादा छक्के मारेगी। तो आपको जो लगता है आप यस या फिर नो पर क्लिक कर सकते हैं उनकी फॉर्म को देखते हुए, और अगर आपको बड़ा कमाना है तो आप फोरकास्ट के क्वेश्चन से 1000 गुना रिवार्ड्स कमा सकते हैं। आपको बताना है कि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के फर्स्ट टी20 मैच में फर्स्ट इनिंग में कितना स्कोर बनेगा। मुझे अगर लगता है 170, तो मैं इसमें 10 RS लगा देता हूँ। आप इसमें मल्टीपल एंट्री भी कर सकते हो, और अगर आपकी रैंक फर्स्ट आएगी तो आप जीत जाओगे 10,000 रुपए, और विड्रॉ करना भी बहुत आसान है। इंस्टेंटली पैसे निकाले अपने गूगल पे या फिर पेटीएम UPI पे। आपका क्या ओपिनियन है, आप भी एक बार जरूर प्रोबो पर ट्राई करो और जीतो लाखों। जल्दी से जाओ, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डाउनलोड करने पर आपको मिलेंगे 50 रुपए। डाउनलोड करो, प्रोबो करो। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच पहला टी20 मुकाबला 9 जून 2022 थर्सडे को खेला जाएगा, जहां इन दोनों टीमों के बीच क्रिकेट के इतिहास में अब तक टोटल मात्र 15 ही टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए, जो कि इन 15 मुकाबलों में से टीम इंडिया ने 9 मैचेस अपने नाम किए हैं, 9 मुकाबले जीते हैं। तो वहीं मात्र 6 ही मुकाबलों में साउथ अफ्रीका की टीम को भारत के खिलाफ इन 15 मुकाबलों में जीत मिली है। तो यहाँ हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में कहीं ना कहीं टीम इंडिया का पलड़ा थोड़ा भारी दिखाई दे रहा है। टीम इंडिया का विनिंग परसेंटेज अगर हम देखें टी20 फॉर्मेट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो वो 60% रहा है अब तक। तो वहीं साउथ अफ्रीका का विनिंग परसेंटेज टी20 फॉर्मेट में भारत के खिलाफ मात्र 40% रहा है। अगर हम बात करें इस मुकाबले की पिच रिपोर्ट्स और कंडीशन के बारे में, तो यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां इस मैदान पर अब तक टोटल 6 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए,
या इन छह मुकाबलों में से मात्र तीन मुकाबलों में पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मुकाबले जीते हैं, यानी कि तीन मैचेस डिफेंड हुए हैं। तो वहीं चेस करने वाली टीम को, यानी कि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम को भी तीन ही मुकाबलों में जीत मिली है। तो पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करना या फिर बाद में बल्लेबाजी करना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इस मैदान पर, जहाँ इस मैदान का औसत स्कोर यानी कि एवरेज स्कोर रहा है अब तक वो है 163 रन, जहाँ इस मैदान पर टीम इंडिया अब तक टोटल मात्र दो ही अंतर्राष्ट्रीय टी ट्वेंटी मुकाबला खेलिए। एक साल 2017 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जहां उस मैच में टीम इंडिया को शानदार जीत मिली थी, तो वहीं दूसरा बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी बार साल 2019 में इस मैदान पर टीम इंडिया टी ट्वेंटी फॉर्मेट में मुकाबला खेली थी और उस मैच में टीम इंडिया को करारी हार मिली थी 7 विकेट के बड़े अंतर से। तो टीम इंडिया इस मैदान पर दो ही मुकाबले खेली है, एक में जीत एक में हार, और ये टीम इंडिया का तीसरा मुकाबला इस मैदान पर। अब अगर हम बात करें इस मुकाबले की मैच विन प्रेडिक्शन के बारे में और इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में कि आखिर आप लाइव कब कहां कैसे देख सकते हैं, तो उससे पहले चलिए जानते हैं दोनों टीमों की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है। तो कुछ इस तरह से होने वाली है, साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 पहले टी ट्वेंटी मुकाबले में एज अ ओपनर नंबर एक पर क्विंटन डीकॉक, बेहतरीन विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज और विकेट कीपर जो शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। आईपीएल 2022 में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से इन्होंने क्या शानदार जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, जबकि नंबर दो पर रिशा हेंड्रिक्स होंगे, ये दोनों ही बल्लेबाज करेंगे पारी की शुरुआत, और नंबर तीन पर कप्तान टेम्बा पुआमा, जबकि नंबर चार पर रसाई फंदर दुशान और नंबर पांच पर एडिन मार्करम, ये भी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, जबकि नंबर छह पर डेविड मिलर जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाज जिन्होंने गुजरात टाइटंस की तरफ से शानदार जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाजी की थी, नंबर सात पर ड्वेन पिटरियस बेहतरीन ऑलराउंडर और नंबर आठ पर कगिस रबादा एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, नंबर नौ पर मार्को जेंसन, नंबर दस पर एनरिच नोर्तेजे तेज गेंदबाज और नंबर 11 पर तबरेज शमसी बेहतरीन स्पिनर। तो ये साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 इस मुकाबले के लिए। बात करें टीम इंडिया की प्लेइंग 11 की, तो बतौर इस्लामी जोड़ी नंबर एक पर होने वाले ईशान किशन जबरदस्त विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज, जबकि नंबर दो पर होंगे ऋतुराज गायकवाड़ जो कि ये भी काफी शानदार यंग ओपनर बल्लेबाज है और शानदार फॉर्म में भी चल रहे हैं। तो दोनों ही बल्लेबाज करेंगे पारी की शुरुआत, जहां केएल राहुल पहले इस पूरी सीरीज से बाहर हो चुके हैं। बात करें नंबर तीन की, तो नंबर तीन पर श्रेयस अय्यर और नंबर चार पर ऋषभ पंत बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाज और विकेट कीपर बैट्समैन, जबकि नंबर छह पर यहां पर भी टीम इंडिया के पास दो ऑप्शन है, एक दीपक हुड्डा के तौर पर और दूसरा है बेहतरीन फिनिशर दिनेश कार्तिक के तौर पर जो कि काफी शानदार विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो दीपक हुड्डा और दिनेश कार्तिक इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जाएगा। बात करें नंबर छह की, तो नंबर छह पर हार्दिक पांड्या जबरदस्त ऑलराउंडर, नंबर सात पर अक्षर पटेल स्पिनर ऑलराउंडर और नंबर आठ पर भुवनेश्वर कुमार एक्सपीरियंस तेज गेंदबाज, जबकि नंबर नौ पर हर्षल पटेल जो अपनी गेंदबाजी में काफी मिश्रण करते हैं, जबकि नंबर दस पर युजवेंद्र चहल बेहतरीन स्पिनर और नंबर ग्यारह पर अवेश खान या फिर उमरैन मलिक और हर्षदीप सिंह इन दोनों में से किसी एक को खिलाया जा सकता है। तो ये टीम इंडिया की प्लेइंग 11 इस पहले मुकाबले के लिए अफ्रीका के खिलाफ, जहां दोनों टीमों की वैसे तो संभावित प्लेइंग 11 है लेकिन लगभग 100% कंफर्म है कि यही प्लेइंग 11 दोनों टीमों की पहले मुकाबले में उतरने वाली है। बात करें इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग लाइव टेलीकास्ट के बारे में, तो आप यह मुकाबला डिज्नी प्लस हॉटस्टार मोबाइल ऐप पर लाइव देख सकते हैं, जबकि आप स्टार स्पोर्ट्स टीवी चैनल्स के सभी नेटवर्क पर लाइव देख सकते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल फ्री में लाइव देखना चाहते हैं वो डीडी फ्री डिश यानी कि डीडी स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकते हैं। बात करें इस मुकाबले की मैच विन प्रेडिक्शन के बारे में, क्या करिए पहला टी ट्वेंटी मुकाबला कौन सी टीम जीत सकती है, तो यहां पर कहीं ना कहीं टीम इंडिया के पक्ष में पहला टी ट्वेंटी मुकाबला दिखाई दे रहा है। दोनों टीमों को अगर हम देखें, जहां टीम इंडिया का होम कंडीशन भी होने वाला है, इस वजह से टीम इंडिया पहला टी ट्वेंटी मुकाबला जीतने की प्रबल दावेदार टीम मानी जा रही है। लेकिन यह भी बात सच है कि अगर पहले टी ट्वेंटी मुकाबले में जो टीम पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करेगी, अगर उसने पहले इनिंग्स में बल्लेबाजी करते हुए 163 रन से ज्यादा रन बना लिए, तो फिर मुकाबला डिफेंड किया जा सकता है, वरना फिर चेस करने वाली टीम मुकाबला जीत सकती है।